नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा, स्वागत करता हूँ आपका इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के 5 सबसे रिच लेडीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5th पे है लीना तिवारी, जिनकी कुल संपत्ति है 13,337 करोड़। ये यूएसबी इंडिया फार्मा कंपनी के फाउंडर विट्ठल गांधी की बेटी हैं। मिस्टर विट्ठल गांधी ने इस कंपनी को 1961 में खोली थी। इनके हस्बैंड का नाम प्रशांत है, जो आईआईटी ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर है और फिलहाल यूएसबी इंडिया कंपनी को मिस्टर प्रशांत ही रन करते हैं। और 2019 के फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट के अनुसार 71th पोजीशन पर हैं। और नंबर 4th पे है मल्लिका श्रीनिवासन, जिनकी कुल संपत्ति 14,963 करोड़ है। ये अमलगामेशन ग्रुप के ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड TOFAE की चेयरपर्सन और CEO हैं, जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और रमेश मल्लिका अमलगामेशन ग्रुप के फाउंडर इस अनंथरम कृष्णन की भतीजी हैं। ये वार्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और साथ ही इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की बोर्ड मेंबर भी हैं। और नंबर 3rd पे स्मिता कृष्णा गोदरेज, जिनकी कुल संपत्ति 19,000 करोड़ है। ये गोदरेज फैमिली की तीसरी पीढ़ी की हैं और गोदरेज फैमिली की 1/5 प्रॉपर्टी पर इनका अधिकार है। ये नवल गोदरेज की बेटी हैं और जमशायद गोदरेज इनके भाई हैं, जो फिलहाल गोदरेज और बॉयश कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इनकी शादी एक जाने माने थिएटर एक्टर विजय कृष्णा से हुई है। और नंबर 2nd पर किरण मजुमदार शॉ, जिनकी कुल संपत्ति 22,799 करोड़ है। ये इंडिया की रिचेस्ट सेल्फ मेड लेडी है और इन्होंने 1978 में बायोकॉन नाम से एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी खोली थी, जो इस समय भारत की सबसे बड़ी बायो फार्मास्यूटिकल फर्म है। इनकी कंपनी ने फर्स्ट टाइम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 2 दवाइयां बनाई थी, जिसे USFDA से अप्रूवल भी मिला था। मजुमदार शॉ ने बाद में मजुमदार शॉ मेडिकल सेंटर की शुरुआत की, जो कैंसर पीड़ितों को किफायती दामों में कैंसर केयर उपलब्ध कराती है। बायोकॉन के अलावा वर्तमान में मजुमदार शॉ IIM बैंगलोर की चेयरपर्सन भी हैं। और 2019 के फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट के अनुसार वे भारत में 54th पोजीशन पर और पूरे वर्ल्ड में 617th पोजीशन पर थी। नंबर 1st से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो नंबर 1st पे है सावित्री जिंदल, जिनकी कुल संपत्ति है 47,720 करोड़। इनकी ओपी जिंदल ग्रुप नाम की एक कंपनी है, जिसके फाउंडर इनके पति मिस्टर ओम प्रकाश जिंदल थे, जो अब नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद सावित्री जिंदल जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन बनी। ये कंपनी स्टील, पावर, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करती है। और इनके 4 पुत्र हैं, जो कंपनी के 4 डिविजन्स को हैंडल करते हैं।